Thank you. डैडी को बना रहे 12 साल पहले बड़े दूर दराज तो लोग देख रहे हैं लोरन मंडी चलास सलोत्री हर थान तो लोग इतने पुजे हैं जिन्होंने शार्ट नोटिस पता लगा है तो असी दुआ गो हाँ कि आने वाले समय के बीच भी असी डॉक्टर साहब ने रिक्वेस्ट करांगे कि जिमें आप जी जम्मू के बीच क्योंकि उत्थे तुहाड़ी सर्विस भी है डॉक्टर की सर्विस ही है जो 24 आवर्स का पेशा है पर फिर भी कदे कदे टाइम कढ़ के इस बार्डर एरिए क्योंकि असी सारे जानकार हाँ कि ये बार्डर नाल है नाल ट्रेडिंग सेंटर है चक्कां दा बाग है इस एरिए दे विच जो लोग साढ़े पछड़े हुए लोग हैं उन्होंने देखभाल जरूर कराया कर आवाम के लिए यहाँ पहुँच के होते हुए पहुँच का उनका रहन सहन था यहाँ होते हुए यहाँ बॉर्डर के बिल्कुल LOC के बिल्कुल सरहद के करीब हैं ये यहाँ पर इन्होंने कैंप लगाया है गुरुद्वारा साहब के साथ तो अपनी तमाम तर सलाहियतों का जो है वो लोगों को फ़ायदा दे रहे हैं अमराज दिल जो मरीज़ हैं जो मरीज़ दिल के हैं उनके हवाले से यहाँ पर चेकअप हो रहा है आज तो मैं समझता हूँ कि पुंछ के लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती है बेसिकली कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के बारे में हम लोगों को अवेयर करने की कोशिश करते हैं कैंप्स तो तकरीबन जम्मू प्रोविंस में हम करते ही रहते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का मायने है कि ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ स्मोकिंग ओबेसिटी खाने पीने की चीज़ें और फिज़िकल एक्सरसाइज के बारे में लोगों को अवेयर करने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है एक स्ट्रेस का लेवल भी काफ़ी ज़्यादा सा होता है चाहे कोई माइग्रेशन किसी भी किस्म का हो उससे एक हार्ट और हार्ट की डिजीज़ बढ़ती हैं ये देखा है हमने जम्मू के आसपास जितने भी प्रोविंस हैं जो एडजाइनिंग बॉर्डर रिलेटेड हैं स्ट्रेस का लेवल ज़्यादा होता है तो आइडिया एक्सरसाइज का यही है कि लोगों को स्क्रीन करने की कोशिश करें चाहे वो ब्लड प्रेशर की जान पहचान हो BP एक सिंपल सा मेजरमेंट है वो हम घर में भी कर सकते हैं डॉक्टर्स भी इवेल्यूएट कर सकता है BP की जांच करवानी चाहिए बड़ा सा एक रिस्क फैक्टर है डायबिटीज़ के बारे में लोगों को अवेयर करने की कोशिश करते हैं ये सिंपल सा टेस्ट है जिसमें ब्लड शुगर के बारे में जांच की जाती है स्मोकिंग एक बड़ा सा कंसर्न है वो यंगर जनरेशन में उसको डिस्कस करने की कोशिश करनी चाहिए लोगों को कहना चाहिए कि स्मोक किसी भी फॉर्म में हो चाहे वो एक्टिव स्मोकिंग हो चाहे पैसिव स्मोकिंग हो वो हार्ट के लिए अच्छी नहीं है ओबेसिटी एक ज़्यादा सा कंसर्न है बच्चों में जो एक एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस जो है वो यंगर एज में शुरू होना शुरू हो जाता है इसीलिए हम बच्चों में ही स्क्रीन करने की कोशिश करते हैं कि आपको ओबेसिटी से दूर रहने की कोशिश की जानी चाहिए।